वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी सरकार के विद्रोह में उठी एक आवाज जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सियासत को खुद में समेट लिया, वो नाम है मुलायम सिंह यादव। इंदिरा सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, राम मनोहर लोहिया आंदोलन से जुड़कर जमीनी स्तर पर काम किया और इन्हीं बगावती त्योरों की बदौलत सिर्फ छोटी सी उम्र में सरकार के आदेश पर जेल भी जाना पड़ा। लेकिन मुलायम जब जेल से निकले तो एक बड़ा नाम और एक बड़े नेता बनकर सामने आए। मुलायम सिंह यादव के करीबी लोग बताते हैं वो शुरू से ही अपने इरादों के अटल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सत्यभान सिंह ने मुलायम सिंह यादव से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। ये किस्सा मुलायम सिंह यादव के विधायक और मंत्री बनने से पहले का है। सत्यभान बताते हैं, एक बार नेताजी धान से भरी बैलगाड़ी लेकर शहर जा रहे थे। रास्ते में चुंगी पार करने पर चवन्नी देनी पड़ती थी। नेताजी के पास उस वक्त चवन्नी नहीं थी। उन्होंने मुंशी से कहा, वापसी में आते हुए आड़ती से पैसे लेकर आपकी चवन्नी अदा कर दूंगा। वो बिना पैसे दिए आगे चलने लगे। मुंशी ने तुरंत गाड़ी रुकवा दी और कहा, मैं बिना पैसे लिए गाड़ी पार नहीं करने दूंगा। सेठ जी की आड़त थी तो मुलायम सिंह सेठ जी के पास गए, चवन्नी लेकर आए और वहाँ रसीद कटवाई। जब आढ़त पर पहुंचे तो बोले, सेठ जी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो पूरे प्रदेश की चुंगी माफ कर दूंगा। इस पर वहां मौजूद तमाम लोग हंसने लगे और बोले, मुलायम तुम फूंक कर पहाड़ उड़ा देते हो। नेताजी ने इसके जवाब में कहा, जो हम कहते हैं वही सत्य होता है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। ऐसा ही वाकया मुलायम सिंह यादव के साथ तब भी हुआ जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में पशुपालन मंत्री थे। मुलायम सिंह ने छात्र नेता के रूप में अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर से विधायक बने और लगातार 3 बार विधायक रहने के बाद उन्हें पहली बार यूपी की जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद मिला। साल 1977 में उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों के बाद सूबे में जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद पर बैठे राम नरेश यादव की नज़र पहली बार मुलायम सिंह यादव पर गई। मुलायम तीसरी बार जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचे थे। राम नरेश यादव की सरकार में मुलायम को सहकारिता और पशुपालन मंत्री बनाया गया। मुलायम सिंह को उस दौरान कोई गंभीरता से नहीं लेता था और उनके साथी जाति की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि बचपन से जो काम करते आए हैं मंत्रालय भी वैसा ही थमा दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को इन तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस अपना काम ठीक से करना चाहते थे। उन्होंने इन तानों को अपनी ताकत बनाने का हुनर हासिल कर लिया। सहकारिता मंत्री रहते हुए मुलायम ने कई बड़े बदलाव करके दिखाए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।